नमस्कार मित्रों, आज हम आपको द ट्रू ब्यूटी इस पोएम के बारे में समझाने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं थॉमस क्राउ। इनका लाइफ स्पेल है 1598 से लेकर 1639। यह पोएम एक सुंदरता का वर्णन करती है कि शारीरिक सुंदरता और मन की सुंदरता में क्या अंतर है। यह पोयम हमें ये भी दर्शाती है कि सुंदरता मात्र एक सुंदरता ही नहीं बल्कि मन की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता से, व्यक्तित्व की सुंदरता से और चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक आकर्षणपूर्ण होती है। तो आइए इसके सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। द पोएट प्रेफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कवि स्पिरिचुअल ब्यूटी यानी आध्यात्मिक सुंदरता को टू फिजिकल ब्यूटी शारीरिक सुंदरता के सापेक्ष में कहीं अधिक पसंद करता है। ही सेज, वह कहता है दैट कि फिजिकल चार्म जो शारीरिक आकर्षण होता है, सुंदरता होती है, डीके हास हो जाता है, ख़त्म हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ, गुजर जाने के साथ, एंड और विद द डीके ऑफ दिस चार्म। जब यह आकर्षण क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो यह समय के साथ साथ समाप्त हो जाता है। आगे क्या कहता है लाइन में, द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइंस। इसी के साथ साथ द इंटेंसिटी तीव्रताएँ यानी जो मन की तीव्रताएँ होती हैं ऑफ लवर्स प्यार करने वालों की फीलिंग्स जो उनकी भावनाएं हैं, आल्सो मीन्स भी डिक्लाइंस, वो भी क्षीण हो जाती हैं, उनका भी ह्रास हो जाता है। व्हाट, लेकिन स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, आध्यात्मिक सुंदरता कभी नहीं खत्म होती है। द पोएट कवि therefore glorifies the beauty, और इसके लिए glorifies the beauty उस सुंदरता की वर्णन करता है, उस मन की सुंदरता का और अंतरात्मा की सुंदरता का वर्णन करता है, which जो इजमी से true beauty सच्ची सुंदरता, and इग्नोर्स और अनसुना करता है फिजिकल चार्म्स शरीर की सुंदरता को, इफ़ इट इज डिवाइड ऑफ वर्चेस, इफ़ यदि इट इज डिवाइड ये रहित होती है ऑफ वर्चेस गुणों से, प्रशंसाओं से, यानी शरीर की सुंदरता हमारी जो मन की सुंदरता से कहीं अधिक क्षीण होती है और इसके अंदर गुणों का अभाव होता है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।